हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैचलर्स फूड टेल्स। आज हम लोग बना रहे हैं एग मसाला। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। धन्यवाद। हमें चाहिए होंगे 3 अंडे, 2 टमाटर, 1 बड़ा प्याज। प्याज को हम लंबा लंबा काट लेंगे। प्याज को काटने के बाद हम टमाटर लेंगे और उसको ग्रेट करेंगे। यहाँ पे आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर ग्रेट करने पे जो टेस्ट आता है उसका अलग ही मजा है। अब वो 3 अंडे को बॉयल होने के बाद छोटे पीसेस में काट लेंगे और हम इसमें 2 तरीके से काट सकते हैं। या तो हम येलो वाला पार्ट बाहर निकाल लें अलग से और उसको ऐसी ही सब्जी में डाल दें, या फिर उनको भी अंडों के साथ काट के सब्जी में मिला दें। यह टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये है मेरी बैचलर्स कढ़ाई। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगा। आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, मैंने रिफाइन ऑयल यूज किया है, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा। इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने बाजार का जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया है, आप खुद का भी यूज कर सकते हैं बना करके। अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा तेल गर्म होगा तो मेक श्योर करें कि आपके हाथ पे इसकी छींटे ना पड़े। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको ढक दें। इसमें अब आप कटा हुआ प्याज डालें और अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसमें आप नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और पकने दें। अब आप इसमें 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालें। अब अच्छे से पूरे प्याज को उसमें मिक्स करें। थोड़ा टाइम लें, आराम आराम से करें, धीमी आंच पे अच्छे से पूरे खाने को मिक्स करें। अब इसमें आप टमाटर डालें जो हमने पहले ही ग्रेट करके रखे हुए थे। पूरे मसाले को अलग अच्छे से मिक्स करें और पकने दें। ध्यान रखें आप इस बात का कि मसाला जो है तभी पकेगा जब उसको आप हल्के आंच पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको आप करीब 5 मिनट के लिए ढक के रख दें और बीच बीच में उसको मिक्स करते रहें। अब आप देख सकते हैं मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है, मतलब मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए अंडे मिलाएंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे बैचर्स का सहारा, मैगी मैजिक मसाला। अब आप धीरे धीरे करके पूरे मसाले और अंडे को साथ में मिक्स कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अंडे टूटे ना, और 2 मिनट तक और पकाइए। मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया है ताकि थोड़ा सा मेरा खाना और गर्म रहे और अच्छे से पक जाए। आप इसे पानी मिला सकते हैं, नहीं तो बिना पानी के भी पका सकते हैं। तो हमारा एग मसाला बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और अच्छी डिशेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।